तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू दिस व्लॉग। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। और आज जैसे कि आपको टाइटल देख करके पता लग ही गया होगा कि हम जा रहे हैं वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज लेने। एक्चुअली मैं जा रहा हूँ, बाकी तो मेरे फ्रेंड्स ने अभी स्लॉट लेने मिला नहीं है। सो आई हैव बुक्ड इन कानपुर क्योंकि मेरे सिटी पे वैक्सीनेशन स्लॉट्स अवेलेबल नहीं था कोविडशील्ड फॉर 18+। तो बड़ी मुश्किल से काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद मुझे यहाँ का मिला है कानपुर का स्लॉट। तो मैं यहाँ 1.5 आवर पहले मैं निकला था अपने घर से, अभी मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। तो अभी सबसे पहले तो हम वहीं जा रहे हैं, सो लेट्स सी एंड आफ्टर वैक्सीनेशन आई विल टेल यू द एक्सपीरियंस हाउ वाज। तो आ चुके हैं अपन लोग कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पे। आबिद जी कैसा लग रहा है? थोड़ा एक्साइटमेंट तो हो रहा है, थोड़ा डर सा लग रहा है। हमारे साथ में आए हुए हैं हमारे मित्र बॉबी उर्फ निखिल। थोड़ा सा लेट हो गए हम लोग, शायद अगर हम 10-15 मिनट पहले आ जाते तो हमारा वैक्सीनेशन अभी हो जाता, बट कोई नहीं, अभी वो लंच पे गए हुए हैं। दे टोल्ड अस टू कम आफ्टर 1 आवर। तो अभी तो हम बाहर जा रहे हैं, कुछ खा पी करके आते हैं थोड़ी देर में। हाफ एन आवर हो चुके हैं हमें वेट करते हुए और अभी तक तो मुझे लगता नहीं है कि इनका लंच कंप्लीट हुआ है। तो फिलहाल तो हमने भी कैंटीन से मैगी वगैरह ले लिया, इसको खाने के बाद हम जाते हैं वैक्सीन लगवाने, वो भी वो आ जाते हैं तब। इन दोनों से मैंने पहले पूछा था कि क्या आपको वैक्सीन लगवानी है, तो पहले इन्होंने ना कहा, आप कह रहे हैं देख लो किसी तरीके जुगाड़ हो जाए तो ले। नहीं वैसा वाला हिसाब नहीं चल रहा है यहाँ पे। आपका जो ये दूसरा डोज की टाइमिंग है उसका क्या बताया? डोज आपको अगले जन्म लगेंगे क्योंकि अभी अवेलेबल नहीं है, तो उन्होंने बोला है कि आप इसको जाइए और बाकी बचाने वाला तो ऊपर वाला है। जान तो देखिए उन्हीं के हाथों में, कुछ कहा नहीं जा सकता। पेड़ पौधे जो कह सकते हैं अभी ये धरती फट जाए तो बाकी हमने वैक्सीन लगवा ली है। वो कह रहे थे अब आपको मास्क लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन हमने लगवा लिया वो चालान। आई गॉट वैक्सीनेटेड द फर्स्ट डोज ऑफ कोविशील्ड। लेकिन दोस्त वेट करते हैं। अभी कहाँ लगाए थे वो? तो अभी लगा लिया तुमने, देख लो को देख के लगाया तुमने। अभी आ चुके हैं हम बाबा बिरयानी और यहाँ पे हम लंच करेंगे, बिरयानी खाएंगे और लस्सी पियेंगे। तो थोड़ा खाने पीने के बाद मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वैसे हम फ्री हो चुके हैं अब, तो हमारे पास और कोई काम नहीं बचा है, तो हमने सोचा कि जाने से पहले क्यों ना एक बार गंगा बैराज घूम लिया जाए अब जब यहाँ तक आ गए हैं। तो सो यहाँ पे हम थोड़ी देर रुकेंगे, उसके बाद वी विल प्रोसीड टू द होम।
हम लोग यहाँ पे खतरों का सामना करते हुए क्योंकि आजाद है पहाड़ चढ़ने के खतरों से जानते जानते ही हो तो हम लोग के बारे में बेयर ग्रिल को अपनी टायर करना चाहिए। Like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for. वैसे तो यहाँ आने का ऑफिशियल रास्ता वहाँ से बना हुआ है कि वहाँ से आप इंटर करके देन नाव में बैठ करके यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन एक इलीगल रास्ता कह सकते हैं कि यहाँ पे आप कार रोक करके इससे आप धीरे धीरे उतर करके आ सकते हैं। आई विल नॉट रिकमेंड टू एवरीवन। ओहो, इसी बोर्ड में 1 करोड़ फोटो है इनकी पहले से। भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से दूर ये कहा जा सकता है कि ये एक अच्छी जगह है जहाँ आप शाम में आकर के बैठ सकते हैं। गंगा बैराज और ये काफ़ी दूर भी नहीं है, ऐसे थोड़ी सी दूर है कानपुर से। एंड इट विल टेक ओनली 20 to 25 minutes फ्रॉम द सिटी। यहाँ पर साजिद ने जिम्मा उठा लिया मछली पकड़ने का। पकड़ा तो इन्होंने किस आज तक कहते हैं चारा, इसे कहते हैं शिकार को पकड़ने के लिए। एक घंटे की मेहनत के बाद साजिद ने आखिर कर दिखाया और ये मछली पकड़ ली है। ऊपर ले गया, ऊपर ले, हमारा शौक है पहले से ही। वैसे तो यहाँ हाथ से पकड़ लेते हैं मछली। ये है प्रो प्लेयर, इन्होंने यहाँ जितने भी बच्चे हैं सबको ट्रेनिंग दी है। खेला है इनके, ये चेले इनके, इनकी शरण में रहते हुए आज इन्होंने जैसे एकला पे अंगूठा देता है वैसे इन्होंने मछली दी है। एंड वी हैड स्पेंड सम क्वालिटी टाइम हियर और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि टाइम काफी हो चुका है, सनसेट भी लगभग होने ही वाला है। तो आई थिंक हमें निकलना चाहिए घर के लिए क्योंकि यहाँ से लगभग 2 घंटे तो लगेंगे हमें घर पहुँचने के लिए, वो भी अगर ट्रैफिक नहीं होता है तो। तो सुबह तो ट्रैफिक नहीं था, बट लेट्स सी अभी को श्रीनगर में। और अगले ट्रिप में हम लोग मिलते हैं श्रीनगर में। नहीं तो श्रीनगर भी तो कहाँ जा चुके हैं। आई गेस अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए बिकॉज इट्स टू लेट, अभी 7:30 हो चुके हैं। अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है, उसके बाद फिर मैं निकलूँगा अपने घर के लिए। इट विल टेक 2 hours टू रीच माई होम। तो ठीक है, let's say bye bye to Kanpur. Can I take you there? Can I take you there? Can I take you there? तो हम फाइनली अपने रूम पहुंच चुके हैं एंड इट्स बीन सो लेट, 12:45 हो चुके हैं। तो दिस इज़ द शॉर्ट स्टोरी ऑफ माई वैक्सीनेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक यू फॉर मेकिंग मी एज अ पार्ट ऑफ योर डे। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए एडियोस अमिगोस।